दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी वीएनई हैं तो किस तरह से आप पैन कार्ड में संशोधन कर सकते हैं। जो 2020 में संशोधन का पोर्टल चेंज हो गया तो उसी में हम आपको काम करके दिखाएंगे किस तरह से आप पैन कार्ड में फोटो ला सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं और सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, सीएससी वीएनई नहीं है, तो भी इस वीडियो को देखकर आप अपने पैन कार्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है परवेज आलम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरनेट से। मैं सीएससी आईटी से बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल है तो दोस्तों आप यूटीआई की वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सीएससी पैनल पर आने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड लिखकर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है, ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर पैन कार्ड की ई केवाईसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। वीएलई यूज़र के लिए है, अगर आप नॉर्मल बंदे हैं तो आप एनएसडीएलई या यूटीआई की वेबसाइट पर जाकर यह करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेकेंगे न्यू पैन कार्ड बनाना, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप करेक्शन करना है तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन का, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजिकल मोड में रहने देंगे। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है दोस्तों, डिजिटल मोड में आधार से नंबर लिंक होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर डालेंगे उस कस्टमर का, इस वक्त अपडेट करना चाहते हैं, दोनों बार पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों ओके करेंगे। यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं दोस्तों होम डिलीवरी के द्वारा घर पर, तो हम इस पर यहाँ पर करेंगे और आपके जीमेल पर भी सेंड कर दिया जाता है, इस ऑप्शन को आप चुन लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप साइड वाला ऑप्शन चुनते हैं तो दोस्तों जीमेल पर आपके डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता बल्कि जीमेल पर ही आता है, तो हम इस वाले बहुत फिजिकल वाले को चुनेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस आईडी रेफरेंस नंबर को यहाँ पर उतार कर रख लेंगे ताकि हमारा अगर बैक हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो इसके द्वारा हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जिस चीज़ में अपडेट करवाना चाहते हैं ये लाल वाला टिक है, इस पर राइट लगा देंगे। अगर नाम में संशोधन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम पर टिक लगा देंगे, लेकिन हमको नाम में संशोधन नहीं करना, हमको सिर्फ सिग्नेचर और फोटो इस पर आपको अपडेट करना है। दोस्तों जो भी संशोधन नहीं करना तो नीचे आ जाए पिकअप नेम ओटीआई आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे वही नाम आ जाएगा। यहाँ पर फिर अगर फादर नेम में चेंज नहीं करना तो पिकअप और फादर्स नेम इस पर रहने देंगे। और यहाँ पर दोस्तों मदर का नाम रखना चाहते हैं फादर का पैन कार्ड पर, वो चुन लेंगे। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करनी है तो चेक मार्क लगाएंगे, नहीं चेंज करनी तो चेक मार्क नहीं लगाएंगे। जिस पर भी आप चेक मार्क लगाएंगे वही चेंज हो पाएगा यहाँ पर, बाकी तो ये भरना ही होता है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे जो कुछ पिछला रिकॉर्ड हो जाएगा पिकअप में वह आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट चुनेंगे दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों इनका हम आधार नंबर डाल देते हैं, दोबारा कस्टमर का यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर फिर एक बार एंटर करेंगे आधार नंबर, ओके पर क्लिक करेंगे, जो भी इनके आधार में नाम है वो रख देंगे। और दोस्तों यहाँ पर और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ यहाँ पर बता रहा है, आप इसको ओके करेंगे यहाँ पर और इन सभी को चेंज करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो डिटेल हम रखना चाहते हैं यहाँ पर पिकअप पर एक बार क्लिक करेंगे दोबारा, जैसे हम क्लिक करते हैं वही नाम ऊपर आ जाता है। और दोस्तों फिर यहाँ पर पिकअप पर क्लिक करेंगे पिछला रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर आप यही रखना चाहते हैं नाम। अगर नहीं रखना चाहते पिकअप पर मत क्लिक कीजिए, यहाँ पर नया नाम भरिए। यहाँ पर दोस्तों जिस आई डी को आप देना चाहते हैं पैन कार्ड में संशोधन कराने के लिए वह दे सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्कशीट भी दे सकते हैं, आप मार्कशीट के हिसाब से रखना चाहते हैं। हमको आधार के हिसाब से सब रखनी है तो यहाँ पर आधार चुनेंगे। यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी जिस पैन कार्ड में आप संशोधन कराना है। मेक पेमेंट पर क्लिक कर अपनी सीएससी आईडी से आपको पेमेंट यहाँ पर कर देना होगा। लगभग आपको 97 रुपये का पेमेंट कटता है अगर आप सीएससी से कटवाते हैं, वैसे 107 रुपये का पेमेंट पैन कार्ड चार्ज लिया जाता है, संशोधन चार्ज या न्यू पैन कार्ड का ये सेम चार्ज होता है। वॉलेट का पिन डालेंगे और यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा प्रोसेसिंग में और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, एड्रेस डिटेल है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। अब हमने यहाँ पर फिल कर दिए, इसके बाद अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर जो अपनी देश है वो चुन लेंगे, कंट्री चुन लेंगे अपने यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे जो भी क्षेत्र का पिन कोड है, नीचे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जीमेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, एड्रेस ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको सिग्नेचर और फोटो भी मिसमैच लग रहे हैं, उनको बदलना है, तो आप चेक मार्क पर क्लिक करेंगे। अगर फोटो और सिग्नेचर वही रखना चाहते हैं तो आप दोस्तों ऊपर चेक मार्क नहीं लगाएंगे, हमको दोनों ही चीज़ें चेंज करनी है तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद आपको अपना वाला पैन नंबर डालना है जो दोस्तों आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आपके पास और भी पैन कार्ड है तो 123 में डाल सकते हैं।
इसके बाद चांदवा ऊपर जो भी आपने यहाँ पर आई व्यू पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड नंबर जैसे डालेंगे ये वेरिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप चुन लेंगे। हम यहाँ पर 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर चुन लेंगे। पहले इसमें जाकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या विलेज का नाम लिख सकते हैं जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास और भी पैन कार्ड हैं जिनका संशोधन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका भी विवरण देंगे, मेरे पास एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको रख लीजिए। आने वाले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे जिस पैन कार्ड में आपने संशोधन किया है, तो यहाँ पर हम इनके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी। और इस PDF में आप 2 फोटो लगाने के बाद आप इसको सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको एक बार। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करेंगे फ़ोटो के ऊपर। यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है आपको और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक सिग्नेचर करेंगे फ़ोटो पर। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी एक सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर भी एक सिग्नेचर करेंगे और इनको इनका प्रिंट आउट निकालने के बाद इनको अपलोड करना है आपको। जो फ़ोटो आप अगर फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है। इस PDF के साथ आपको अपना आधार कार्ड देना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आधार कार्ड देंगे और जो पैन कार्ड है आपका वो देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों फॉर्मों को यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद अपने CIC पोर्टल पर आने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें, आपका जो आधार कार्ड जिस डॉक्यूमेंट्स आप चेंज कराया आपने अपना वो डॉक्यूमेंट्स देंगे और तीनों फाइल दे देंगे, सिग्नेचर देंगे यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं। इसको अपलोड कर देंगे लगभग दोस्तों आप 2 MB में PDF यहाँ पर अपने बनाकर अपलोड कर सकते हैं सारे कागज़ उसमें अटैच करके। अगर आपको कुछ और बात पूछनी है तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड करेंगे 2 MB के अंदर, फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।